नदियों के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक हार्ड टॉपिक भी है। तो इसे मैं आपको मैप और कुछ आसान ट्रिक्स की सहायता से याद कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक और शेयर करें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। राजस्थान के अपवा तंत्र की बात करें हम दोस्तों, तो राजस्थान के अपवा तंत्र में अरावली श्रेणी का बहुत ही प्रमुख रोल रहता है। इसके अंदर अरावली श्रेणी की जो पश्चिम में नदियां जाती हैं, वो जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वो जाती है बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर, ठीक है। और जो जल नहीं लेकर जा पाती है कहीं पर, ना ही अरब सागर में जाता है ना ही बंगाल की खाड़ी में जाता है, यानी कि ना ही किसी सागर में ना ही किसी महासागर में जिनका जल जाता है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के अपवा तंत्र को दोस्तों हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी इमेज के अंदर बताया था। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वे नदियां जिनका जल अरब सागर में जाता है। दूसरा, वे नदियां जिनका जल अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है, यानी कि ना ही किसी सागर या महासागर तक उनका जल नहीं पहुंच पाता है और उनका जल रेतीले क्षेत्र में ही वो विलुप्त हो जाती है वो नदियां। तीसरी जो है वह है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ऐसी नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है वह है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के अपवा तंत्र के अंदर अंतः प्रवाह वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान के अपवा तंत्र में लगभग 60% का योगदान रखती है। चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां, दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं दो बार, ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो होता है पर विसर्जन नहीं हो पाता, वे नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। पूरे विश्व में सिर्फ राजस्थान में ही आंतरिक अपवा तंत्र पाया जाता है। दोस्तों आप एक रजिस्टर ले लें और पेन ले लें, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो आप लिखते जाएं, क्योंकि मैं आपको मैप की सहायता से बताऊंगा तो मैप के अंदर वो चीज आप मार्क करते जाएं साथ के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों में कांकने, कांतली, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, गग्गर, रूपारेल, ये प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों एक दो और भी मिल सकती है आपको किताबों के अंदर, पर जो प्रमुख वो है जो है वो यही है नदियां, ठीक है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो कि सिखवाल में दोस्तों एक बहुत अच्छी ट्रिक दे रखी थी, काकासा में रूगरू गांव गया था। नेट पे आपको और भी ट्रिकें मिल जाएगी, ये ट्रिक अच्छी लगी तो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। काकासा में रूगरू गांव गया था, तो आप देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। वैसे का से कांकने, का से कांतली, सा से साबी, मे से मेंथा, रू से रूपनगढ़, ग से गग्घर और रू से रूपारेल, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे डिटेल से इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एलडीसी के अंदर इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कांकने नदी, इसको कांकनी नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी के अगर बारे में हम बात करें तो इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इस नदी को, मसूरदी नदी भी कहते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है, कांकने नदी है, जो कि मात्र 17 किलोमीटर की, कितनी, मात्र 17 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इस नदी के उद्गम की बात करें हम दोस्तों, तो कोटरी गांव जैसलमेर से इस नदी का उद्गम होता है और ये आगे नदी अपना जल बहते हुए भुज झील का निर्माण करती है। ये यहाँ पर भुज झील का निर्माण कर रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि भुज झील कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। कौन सी नदी बनाती है, कांकने नदी बनाती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर जब दोस्तों पानी जब ज्यादा आ जाता है, जल ज्यादा आ जाता है, तो इसका पानी जो है मीठा खाड़ी तक पहुंच जाता है, यानी कि जो लास्ट इसका विलोपन क्षेत्र है, विलुप्त क्षेत्र है, वो है मीठा खाड़ी, यहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है पूर्णतः। अगली नदी की ओर बढ़ते हैं, कांतली नदी। कांतली नदी का जो है उसे मौसमी नदी भी कहते हैं और कांतली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसमी नदी और कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की नदियों में दोस्तों पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। आंतरिक प्रवाह की नदियों में पूर्णतः बहाव के हिसाब से सबसे लंबी नदी है, कितनी लंबाई है इसकी, 100 किलोमीटर है। अगर आंतरिक प्रवाह के अंदर हम सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो आएगी गग्गर सरस्वती, जो कि 465 किलोमीटर लंबी है। लेकिन पूर्णतः बहाव की, यानी राजस्थान के एरिया, राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही बहती है पूर्णतः,
तो इसलिए उस हिसाब से देखें तो सबसे लंबी नदी जो है वो है कांतलीय पूर्णतः बहाव के हिसाब से, कितनी 100 किलोमीटर। इसका उद्गम जो है सीकर जिले के अंदर खंडेला की पहाड़ियों से होता है और सीकर से होते हुए ये झुंझुनू जाती है और झुंझुनू को बिल्कुल मध्य से काटती है, यानी कि दो भागों में बांटती है झुंझुनू को, और चूरू जिले की सीमा पर जाकर ये नदी जो है समाप्त हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं है। सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, और संभाग की बात करेंगे तो कोटा में है सबसे ज्यादा नदियां। इसका जो क्षेत्र है प्रवाह क्षेत्र जो है उसे हम तोरावटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सभ्यता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, ध्यान रखना पौराणिक जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता वो इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे कि हम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं, यानी ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, तोरावटी क्षेत्र बोलते हैं। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी है, ठीक है। दोस्तों हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, छोटी सी एक लाइन बता देता हूँ जिससे आपको अगर अच्छी लगे तो लिख लेना कॉपी में। कांतली में देखो कांता, अगर इसमें ले कांता वर्ड तो कांता से सीखो, कांता से सीखो तुरई कैसे बनाते हैं, सब्जी आती है ना तुरई, तो आप उसको ऐसे बोल सकते कांता से सीखो तुरई कैसे बनाते हैं। तो कांता से सीखो सीख से सीकर, ठीक है, और तुरई से तुरावटी प्रदेश, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद हो जाएगी जो जरूरी है, कांतली नदी कहाँ की, सीकर की एक तो, और उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तोरावटी प्रदेश। और आप इसमें और एडिशन कर सको और अच्छी बना सको तो आप जरूर करना, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगली नदी की ओर हम चलते हैं तो साबी नदी, इसको साहिबी नदी भी बोलते हैं। इस नदी का उद्गम जो है दोस्तों सेवर की पहाड़ियां जो की जयपुर में स्थित है वहां से होता है। जयपुर से होते हुए अलवर जाती है और अलवर से फिर हरियाणा के अंदर पटौदी नाम की जो जगह है वहां पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से जाती है, जयपुर से निकलकर अलवर जाती है, और अलवर से होते हुए हरियाणा में पटौदी जो स्थान है वहां पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोता नाला, ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन याद कर लेना, लिख लेना आप कॉपी में। अब हम इसको एक ट्रिक एक लाइन से याद कर लेते हैं। साबी के अंदर दोस्तों एक वर्ड दिख रहा होगा अपन देखें तो सेब वर्ड नाम से, ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं भाई सेब यानी अपनी जो सेब होती है, तो सेब से यहाँ पर देखिए सेब यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं कि जो साबी नदी है वो कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से, ठीक है। और जो साहिबी भी बोलते हैं इसको, तो साहब लोग जो है अपने राजस्थान के प्रमुख रूप से कहाँ रहते हैं, साहब लोग वो रहते हैं जयपुर के अंदर, ठीक है, हमारी विधानसभा वगैरह सब वहीं है, तो जो प्रमुख लोग हैं हमारे नेता लोग वो वहीं पे रहते हैं, नहीं साहब लोग कहाँ रहते हैं, जयपुर के अंदर। तो साबी नदी का उद्गम जो है सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। और दोस्तों साहब लोगों को क्या करना चाहिए, जान पहचान रखनी चाहिए, कभी भी काम आ जाते हैं तो उनको क्या पटा के रखना चाहिए। तो इस नदी का जो विलुप्त कहाँ होती है, नदी पटौदी के अंदर हरियाणा के, ठीक है। आई होप आपको याद हो गई हो, अच्छा लगा हो तो आप कॉपी में लिख लेना और इसको समझ लेना, ठीक है। अगली नदी की बात करते हैं, मेंथा नदी। मेंथा नदी का जो उद्गम है वो जयपुर जिले के मनोहरपुर गांव की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों मैं आपको जो पहाड़ियां बता रहा हूँ ये जरूर याद रखना, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। और दोस्तों लास्ट में एक क्विज है, उसके अंदर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, अगर आपने वीडियो सही देखा है तो आप जवाब दे पाएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मनोहरपुर गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है मेंथा नदी का, और ये सांभर झील के अंदर जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। इसका जल कहाँ चल जाता है, सांभर झील में जाकर ये समाप्त हो जाती है। और सांभर झील की हम बात करें दोस्तों तो वहां नमक का उत्पादन होता है, और वहां पर जो नमक की पद्धति है वो क्यारी पद्धति के रूप में होता है, यानी क्यारियां बनाई जाती है फिर वहां पर नमक का उत्पादन होता है। खैर अभी हम नदी पर आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि एक जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है लुणवा नाम का, क्या नाम है, लुणवा जैन तीर्थ स्थल, वो भी इसी नदी पर स्थित है। अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। मेंथा क्या आ रहा है, मेंथा, तो मेंथा से एक वर्ड निकल रहा है मेथी, तो मेथी आपने देखी होगी मेथी की सब्जी, तो मेथी जो होती है वो कैसी होती है, हरी होती है। तो देखो इसमें हरा हमको मिल रहा है मनोहरपुर, तो हम इसको याद रख सकते हैं, मनोहरपुर गांव की पहाड़ियों से मेंथा नदी का उद्गम होता है। मेथी हम खाते हैं तो कैसी लगती है, खारी लगती है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील है, कौन सी झील है, सांभर झील है। तो इस नदी का जल जो है कहाँ पर जाता है, सांभर झील में चल जाता है, ठीक है। और सांभर झील में किस चीज का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है ना, तो नमक को हम क्या बोल सकते हैं, लूण भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लूणवा जैन तीर्थ स्थल भी है,
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आता एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के अंदर स्थित किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है और ये भी जाकर सांभर झील में मिल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो पिछली पहले जो हमने मेंथा नदी पढ़ी है वो सांभर झील में उत्तर दिशा की ओर से मिली है। कौन सी? उत्तर दिशा की ओर से मिली है, और ये जो नदी है ये दक्षिण दिशा की ओर से सांभर में मिल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस नदी का जो आता है वो यही क्वेश्चन आता है बस, कि भाई निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ सलेमाबाद है वो कौन सी नदी पर स्थित है? वो स्थित है रूपनगढ़ पर। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जरूरी नहीं नदी पूछे, ये पूछ ले निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद कहाँ स्थित है? किशनगढ़ के अंदर अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर किशनगढ़ ऑप्शन आए तो किशनगढ़, अजमेर अगर आए तो अजमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चित्र है गग्गर नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, एक ऐतिहासिक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब गग्गर नदी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसे सरस्वती, दृष्टवती, नट नदी, लेटी नदी, सोतर नदी, मृत नदी आदि नामों से जाना जाता है। मृत नदी इसलिए कहते हैं कि भटनेर का जो दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है, भटनेर का मैदान, वहां पर जाकर नदी विलुप्त हो जाती है, तब वहां इसे मृत नदी भी कहते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक पहाड़ियां जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर एक कालका माता का मंदिर है, वहीं से वहीं उसके पास से ही इस नदी का उद्गम होता है। फिर यह राजस्थान के टिब्बी तहसील के अंदर स्थित तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन से गांव से प्रवेश करती है? तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है दोस्तों। फिर आगे जाकर ये भटनेर के अंदर विलुप्त हो जाती है नदी। कहाँ पर विलुप्त हो जाती है नदी? भटनेर के मैदान में ये नदी विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे मृत नदी का नाम भी दिया गया है। फिर अगर अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है इस नदी के अंदर, तो इस नदी का जो पानी है वो गंगानगर के सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक। कब? जब बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और ज्यादा पानी आ जाए तो ये पाकिस्तान के बहावलपुर से होते हुए फोर्ट अब्बास तक इस नदी का जल चल जाता है। फोर्ट अब्बास दोस्तों इसका अंतिम छोर है, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और कहाँ तक जाता है इसका जल? जो आखिरी छोर है फोर्ट अब्बास, मुख्यतः ये है भटनेर के मैदान जो हनुमानगढ़ में स्थित है वहीं पर ये नदी विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन बाढ़ आ जाए तो पहुंच जाता है इसका जल। इसके अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 465 किलोमीटर लंबी है दोस्तों गग्गर नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये 465 किलोमीटर। इसी के अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से प्रवेश करती है? तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, तो यहाँ पर एक तलवाड़ा नाम से झील भी है इसी के अंदर हनुमानगढ़ में। तो ये राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील है, सबसे निचली झील है राजस्थान की। और ऊंची झील की बात करते हैं तो माउंट आबू में स्थित नक्की झील दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान का शोक भी कहते हैं क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है इसलिए राजस्थान का शोक कहा जाता है ये। और कालीबंगा सभ्यता जो है वो इसी नदी पर विकसित हुई है। कौन सी नदी पर विकसित हुई है? गग्गर नदी पर ही विकसित हुई है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो हनुमानगढ़ सूरतगढ़ में ये नदी बहती है, तो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम पाट या नाली के नाम से जानते हैं, पाट या नाली के नाम से जाना जाता है इसको। और पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हकरा नाम से जाना जाता है। अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं, रूपा रेल। दोस्तों गग्गर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना वापस से, उसके सारे पॉइंट बहुत जरूरी हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी की अगर हम बात करें तो रूपारेल को दोस्तों लसवारी और वरा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसवारी और वरा नदी। दोस्तों सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा उसके अंदर एक ट्रिक से समझा देता हूँ, गग्गर के बारे में मैं भूल गया कुछ, दो चार चीजें आपको एक छोटी सी एक लाइन से याद कराने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको याद हो जाए तो। दोस्तों गग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं, तो सरस्वती, सरस्वती और हेमा, सरस्वती और हेमा, सरस्वती और हेमा लंबी तलवार लेकर, कितनी? चार पांच लंबी तलवार लेकर, सरस्वती और हेमा चार पांच लंबी तलवार लेकर कहाँ गए? कोर्ट गए। कहाँ गए? कोर्ट में गए। चार पांच लंबी तलवार लेकर कोर्ट गए, कौन? सरस्वती और हेमा। तो सरस्वती से हमको ध्यान रखना है सरस्वती नदी, और हेमा से हमको याद आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ? हेमा से क्या याद है? हिमाचल प्रदेश। सरस्वती और हेमा चार पांच, यानी 465 किलोमीटर लंबी नदी है ये,
तो चार पांच से अगर आपको चार ऑप्शन देता है कि भाई गंगा नदी की लंबाई क्या है, तो आपको चार और पांच डिजिट मिल जाएंगे, तो वैसे ही ऑप्शंस दो तो वैसे ही कम हो जाएंगे, अगर दो में अगर सेम दे रखा चार और पांच तो ठीक है। लंबी से याद रखना कि भाई लंबी चार पांच लंबी तलवारें लेकर गए, तो लंबी से भाई आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ठीक है। कहाँ गए, कोट गए, तो कोट से क्या याद आएगा, फोर्ट। तो आप ट्रिक को इसको कॉपी में लिख लीजिए कि भाई सरस्वती और हेमा चार पांच लंबी तलवार लेकर कोट गए, तो इससे आपको बहुत सारे काफी सारे पॉइंट याद हो जाएंगे इस नदी के। चलिए हम रूपारेल नदी की बात कर रहे थे, तो इसको लसवारी और वरा नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो उदयनाथ की पहाड़ियां जो कि अलवर के अंदर स्थित है, वहां इसका उद्गम होता है थानागाजी तहसील के अंदर ठीक है। कहाँ होता है, उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। फिर इस नदी का जो जल है दोस्तों वो भरतपुर में जाता है, भरतपुर के अंदर कुशलपुर नामक स्थान पर दोस्तों ये नदी विलुप्त हो जाती है। अब इससे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सीकरी बांध जो भरतपुर में स्थित है वो इसी नदी पर स्थित है, सीकरी बांध जो है, और मोती झील जो कि भरतपुर की लाइफलाइन कही जाती है उसमें भी ये रूपारेल नदी का पानी जाता है। तो रूपारेल नदी जो है मोती झील को पानी उपलब्ध कराती है। रूपारेल नदी को भी दोस्तों वो भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, ध्यान रखना, और मोती झील को भी भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको कुछ एक छोटी सी लाइन बता देता हूँ। रूपारेल, तो रूपा जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, जो रूपा वर्ड आ रहा है, तो रूपा लव करती है, रूपा लव करती है उदय से, लेकिन उसकी मौसी को पसंद नहीं है, तो रूपा लव करती है। तो लव के अंदर दोस्तों देखो दो वर्ड आ रहे हैं, लय और वह, तो लसवारी नदी के नाम से भी जानते हैं और वरा नदी के नाम से भी जानते हैं रूपारेल नदी को। और अगर हम लव शब्द को देखें तो लव शब्द जो है वो अलवर जिले में आता है। कहाँ, कौन से जिले में आता है, अलवर जिले में। तो हमको इससे ये भी पता चल जाएगा भाई रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो अलवर जिले से आता है, अलवर जिले से होता है, और इसे लसवारी और वरा नदी भी कहते हैं। और किससे लव करती है, ये उदय से करती है। रूपा किससे लव करती है, उदय से लव करती है, तो उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बट इसकी मौसी को ये पसंद नहीं है, तो मौसी मतलब मोती झील और सीकरी बांध भी इस नदी से लिंक हैं ठीक है, मोती झील और सीकरी बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक क्विज टाइम, अगर हम अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन सबको हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हैं तो। लसवारी और वरा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, अभी अभी हमने जस्ट ताजा ताजा पढ़ा है तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। कौन सी नदी जानी जाती है, चार ऑप्शन आ गए आपके सामने, रूपारेल, कांतली, मेंथा और सांबी। तो मैंने आपको बताया था कि रूपा लव करती है किससे, उदय से ठीक है। तो लव के अंदर लसवारी और वरा दोनों शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा, रूपारेल ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांतली नदी का उद्गम किस जिले से होता है, कांतली नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो मैंने आपको बताया था कांता, कांतली नदी को कांता, तो कांता से सीखना है, क्या सीखना है, तुरई कैसे बनाते हैं, तो सीखना से हमको याद आ गया भाई सीकर जिले से होता है इस नदी का उद्गम। आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, सॉरी, अगली बार आप ट्राई करें। राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, अब आप भी देखें एक बार, आप सोचें, राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील जो है वो है तलवाड़ा, कौन सी है, तलवाड़ा, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। घग्गर नदी जो है वो यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा गांव से ही प्रवेश करती है ठीक है। और ऊंची झील की बात करें तो दोस्तों नक्की झील है जो कि माउंट आबू में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्बाग संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद कहाँ स्थित है या कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है दोस्तों अजमेर, क्या है, अजमेर। अगला प्रश्न, लुणवा जैन तीर्थ स्थल किस नदी पर स्थित है, तो हमने पढ़ा था दोस्तों मेंथा नदी, मेथी, मेथी कैसी होती है, हरी, और हरी मेथी जब हम खाते हैं तो कैसी लगती है, खारी, यानी कि खारी, सबसे खारी पानी की झील जो होती है वो थी सांबर झील। सांबर झील में किस चीज का उत्पादन होता है, नमक का होता है, तो नमक को हम क्या बोलते हैं, लूण। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो आंसर क्या है, मेंथा। अगला प्रश्न, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो है दोस्तों वो है कांकने, कांकने नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। मैं आपको दोस्तों कांकने नदी की ट्रिक बता देता हूँ, मैं आपको भूल गया था, तो मैं आपको ट्रिक वापस उसी स्लाइड पर लेकर चलता हूँ और अपन उसी को वापस से पढ़ते हैं और याद करते हैं ठीक है, आप लिख लेना। तो दोस्तों हम इस स्लाइड पे आ चुके हैं कांकने वाली पे, अब हम इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से कि दोस्तों जो देखो कांकने में जो वर्ड्स आ रहा है, कांकना, कांकने और कांकनी, यानी काका और काकी, क्या है, काका और काकी, तो काका और काकी कहाँ गए, कोटड़ी में गए
आपको बताता हूं मैं थोड़ा माउस की सहायता से। काका और काकी एक छोटी सी कोठड़ी में गए दोस्तों। काका और काकी कहाँ गए? छोटी सी कोठड़ी में गए। क्या करने गए? दाल बनाने गए। दाल किसकी? मसूर की। दाल किसकी? मसूर की। अब दोस्तों अगर दाल बनाएंगे तो या तो किसी चूल्हे पर बनाएंगे, चाहे गैस के चूल्हे पर बनाए या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो चूल्हा होता है तो किसी न किसी चूल्हे पर बनाएंगे, ठीक है। फिर बाद में जब दाल बन गई तो उसको क्या बुझाना भी तो पड़ेगा चूल्हे को, तो इन्होंने क्या कहा, दाल बनने के बाद चूल्हे को बुझा दिया, ठीक है। तो भुज झील का निर्माण हो गया, और फिर बनने के बाद खाएंगे भी तो सही, तो खाई, तो खाई यानी खाड़ी, तो मीठा खाड़ी तक इसका जो है जाकर ये विलुप्त हो जाती है। तो काका और काकी छोटी सी कोठड़ी में गए, क्या करने गए, मसूर की दाल बनाने गए थे। फिर बाद में दाल बनने के बाद उन्होंने चूल्हे को बुझा दिया, तो भुज झील का निर्माण हो गया। मसूर से मसूर दी नदी आ जाएगी हमें याद। छोटी कोठड़ी में गई तो भाई आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी है ये सबसे, कोठरी तो कोठरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है, और फिर दाल बनने के बाद जब इन्होंने खाई थी तो मीठा खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। चलिए वापस हम प्रश्नों पर चलते हैं। इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए जिससे कि 2-3 बार आपको भूलोगे नहीं आप। तो दोस्तों अब हम वापस स्लाइड पर आ चुके हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीकरी बांध स्थित है, सीकरी बांध कहाँ स्थित है? सीकरी बांध स्थित है भरतपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन के अंदर साबित दे रखा था, यहाँ पर भरतपुर आएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। कौन सी नदी पर है दोस्तों सीकरी बांध जो है, अगर भरतपुर की हम बात करें तो कौन सी नदी रिलेट करती है यहाँ पर? मैंने आपको बताया था कि रूपा लव करती है किससे? उदय से, ठीक है। फिर ये जाती है जो रूपा रेल नदी है वो भरतपुर तक जाती है, भरतपुर के अंदर जो मोती झील के अंदर पानी उपलब्ध कराती है, और सीकरी बांध जो है वो भी रूपा रेल नदी पर ही स्थित है। जोधपुर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? जोधपुरा सभ्यता जो है किस नदी पर स्थित है? जोधपुरा सभ्यता जो है दोस्तों जयपुर के अंदर है, और जयपुर के अंदर जो है ये साबी नदी पर स्थित है। साबी नदी को मैंने आपको बताया था कि सेब तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, और साब जो साब लोग रहते हैं वो जयपुर में रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो पढ़ा है दोस्तों, अगर हमको सही ढंग से याद हुआ तो हम इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देंगे, और जो पेपर बनाएगा एलडीसी का वो आरएसएमएस एसबी बनाएगा, तो वो इस टाइप के ही प्रश्न देगा। तो चलिए सुमेलित करते हैं। मेंथा, तो मेथी कैसी होती है भाई? हरी होती है, ठीक है। तो मनोहरपुर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होगा, तो मतलब ए का आ जाएगा तीसरा, ठीक है। कांतली नदी, तो कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, इसको मैच कर लिया। साबी, तो साबी को मैंने आपको बताया था सेब तो सेवर की पहाड़ियां, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। रूपा रेल, रूपा लव करती है किससे? उदय से, तो उदयनाथ की पहाड़ियां। तो अब हमको क्या देखना, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा ये रहा, इसमें भी और इसमें भी है दोस्तों, लगता है सब में ए ए ए ए दे रखा है। चलिए हम अपने हिसाब से टिक कर लेंगे अभी। तो ये आएगा, पहला आएगा ए का तीसरा जो कि दोनों दो ऑप्शन के अंदर दे रखा है, फिर बे का कांतली का आएगा पहला जो कि दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे में और दूसरे में, फिर साबी तो से का आएगा तीसरा, साबी का सॉरी तीसरा यानी से, तो ये चौथा आ रहा है, तो यानी ये अपना आंसर ये वाला आएगा दोस्तों, ठीक है। ये आंसर अपना सही है, ठीक है। से के अंदर ये रहा चौथा, और रूपा रेल की बात करें तो दूसरा, तो ये रहा, ठीक है। तो अपना जवाब ये। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और अगला वीडियो दोस्तों जल्दी ही डालेंगे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की नदियों के ऊपर, ठीक है। धन्यवाद।